हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 6, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स एंड हियर कांस्टेंट। वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट से, इट मीन्स ए बी सी एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड। वेरिएबल्स को किससे डिनोट करते हैं? अल्फाबेट से। और कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं नंबर से, इट मीन्स 5, माइनस 5, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, माइनस 3 हो सकता है, एक्सेट्रा। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं अल्फाबेट से और कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं नंबर से। अब पॉजिटिव हो सकता है वो, नेगेटिव हो सकता है। इसके बाद इक्वेशंस की बात करेंगे। हमारे पास LHS इक्वल टू RHS। अब देखिए, इक्वल बीच में इक्वल का साइन होते हैं, तो इस वाले पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और राइट हैंड पार्ट को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 5x प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 9, ये कोई इक्वेशन है। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हो गया LHS और ये हमारे पास हो गया राइट हैंड साइड पार्ट RHS। ओके, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में? इक्वेशंस की फॉर्म है, ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब बात करते हैं लीनियर की। लीनियर मीन्स क्या होगा? जैसे वेरिएबल हमने डिस्कस किया, वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो किस फॉर्म में होगा? लीनियर की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, 5x प्लस 2 इक्वल टू 3, हियर यहां पर वेरिएबल क्या है? x, और x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 1। तो ये किस फॉर्म में? लीनियर की फॉर्म में, और इक्वल का साइन भी आ रहा है, इट मीन्स इट इज लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल 1 है। तो ये हो गया एग्जांपल, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है, इक्वल का साइन है, LHS पार्ट भी है, RHS, तो लीनियर इक्वेशन होंगे। ए की वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है x, तो ये हो गया एग्जांपल, लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल। अब जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी इक्वल टू सी। लेकिन इस केस में a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होगी? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये आपको याद रखना है, जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे एग्जांपल, इसके बाद आता है कि इक्वेशन का सॉल्व कैसे किया जाए, सॉल्विंग फॉर लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्व करने का तरीका आप ध्यान रखना, वेरिएबल ये देखिए, हमने अभी डिस्कस किया था LHS एंड RHS। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज वेरिएबल होगा, वेरिएबल्स, और राइट हैंड साइड में ऑलवेज क्या होंगे? कांस्टेंट। ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज क्या होंगे? वेरिएबल, और राइट हैंड साइड में ऑलवेज क्या होंगे? कांस्टेंट। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट कोई नजर आए तो उसको ट्रांसफर कर देंगे हम राइट हैंड साइड में, या फिर राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नजर आए तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन याद रखना, नंबर्स को ट्रांसफर करने पर उसके साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। इट मीन्स प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई। ये हम देख लेंगे आगे इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें 5x प्लस 2 इक्वल टू 3, 5x प्लस 2
इक्वल टू 3 को सॉल्व करना है। तो इस केस में देखिए ये वेरिएबल है, वेरिएबल पार्ट ये रहेगा, कांस्टेंट को ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले, प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। हमें इस चीज को ध्यान में रखना है ऑलवेज, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होंगे वेरिएबल और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट। तो ये कि लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट नजर आया, इसको हमें ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड में भेजना है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा अपोजिट, 5x इक्वल टू 3, प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, 5x इक्वल टू 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में x के मल्टीप्लाई में 5, राइट हैंड साइड में जाने पर डिवाइड में हो जाएंगे, साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/5, 5 किसके आगे 1 के डिवाइड। तो वेरिएबल x की जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है सॉल्यूशन कहलाता है। तो x की वैल्यू क्या है 1/5, तो इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन 1/5। एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट x-2=7, सेकंड x+3=10। तो 1/1 सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट x-2=7, हमें याद रखना है LHS पार्ट में ऑलवेज वेरिएबल और RHS में ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट में दे रहा है, माइनस के 2 को ट्रांसफर करेंगे इधर तो प्लस का हो जाएगा x=7+2, 7+2 9, देन वैल्यू ऑफ x=9 आंसर। ऐसे सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर x+3=10, प्लस के 3 को देख ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा 10-3, 10-3 को माइनस करेंगे तो 7, वैल्यू ऑफ x=7, दैट इज आंसर।